झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे के समीप से ही कला गांव में बीती रात को अज्ञात जानवर ने एक घर में बंदी बकरियों पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक मनोहर लाल नायक के घर पर 10 बकरियां बंधी हुई थी। परिवार के लोग खाना खाकर सो गए थे। बकरियां घर में ही बने बाड़े में बंधी हुई थी। रात को लगभग 12 बजे अज्ञात जानवर आया और बकरियों पर हमला कर दिया, जिससे 7 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गई। इनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। रात को परिवार की एक महिला ने देखा तो बकरियां मरी हुई थी। सुबह आस पड़ोस के लोग भी पहुंचे। वहीं सूचना पर वन विभाग की टीम भी पहुंची, जिन्होंने अज्ञात जानवर के पग मार्क लिए हैं। हालांकि बकरियों पर हमला करने वाले जानवर की अब तक पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन ग्रामीणों ने मनोहर लाल के परिवार को सहायता देने की मांग की है। ग्रामीण मनोज नायक ने बताया कि मनोहर लाल का परिवार इन्हीं बकरियों के सहारे पशुपालन से चलता था। 10 में से 7 बकरियां मर चुकी हैं। अब परिवार के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इधर इस अज्ञात जानवर से इलाके में भी डर का माहौल हो गया है। लोग तरह तरह की आशंका जता रहे हैं, तो पशुपालक अब अपने पशुओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। ये रात ने बकरी बांध रखी, 11:30 के 12 के बीच के महीने, और वहाँ पर पता नहीं कुत्ते ने हमला किया कि भेड़िया ने किया। इनमें से 7 बकरी तो खत्म हो गई और 2 घायल हैं, 1 थोड़ी सुरक्षित है। हाँ, इनसे चलता है, 1-1.5 लाख रुपये का तो है ही। भाई साहब, ये हैं हमारे बड़े भाई हैं परिवार में, मनोहर लाल जी। पिताजी का नाम बुधराम जी है, नायक हैं, और गरीबी परिवार है बिल्कुल ही, और इनका गुजारा भी इन जानवरों से चल रहा है। तो लगभग 10 बकरियां हैं इनके, और रात को कोई अज्ञात जानवर आया है जिसने लगभग 7 बकरियां तो ख़त्म हो गई रात को ही, और ये 2 बकरियां आपके सामने हैं जो घायल हैं, 1 वो बकरा वो ठीक है। तो इन पे जानवर ने हमला किया है, जिसकी वजह से ये बकरियां तो मारी गई हैं। काफ़ी नुकसान हुआ है, गरीबी परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, और इनकी सरकार की तरफ से कोई भी योजना ऐसी तो सहायता होनी चाहिए।